नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। रविवार के दिन, संडे के दिन कितने बजे उठते हैं आप? देर से उठते हैं? नहीं, यह हमारा टॉपिक नहीं है कि आप कितने बजे उठते हैं या कितने बजे आपको उठना चाहिए, लेकिन हम ये उपाय आपको जरूर बता रहे हैं। रविवार को ही कुछ उपाय करने पड़ेंगे आपको, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ इश्यूज से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि संडे के दिन आपकी लड़ाई या झगड़े ना हो, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके का तनाव आपको ना घेरे, अगर आप चाहते हैं कि हार्ट इश्यूज, आपको हार्ट बीट जो बहुत तेज कई बार होती है, ये ना हो, और किसी तरीके के आपके स्टेटस के ऊपर कोई वार ना हो। अब जब यह स्टेटस की बात आ रही है ना, ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे इंडिविजुअली काम कर रहे हो, चाहे घर के अंदर काम कर रहे हो, चाहे किसी बाहर जाकर के अपने दोस्तों के बीच में कोई भी काम कर रहे हो, और आपको रुतबा ना मिले सारा काम करवाने के बाद, तो ये आपके स्टेटस के ऊपर सीधी सीधी उंगली ही तो करते हैं, वार करते हैं ना आपके स्टेटस के ऊपर। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। जब पूरा काम करने के बाद क्या किया आपने पूरा दिन? ऑफिस में काम करे, अरे इसको ठीक से काम नहीं आता है करना, ये ऐसे ही है, और अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो लास्ट में कोई तवज्जो ही नहीं आपको दे रहा, घर में आकर के भी कोई भी नहीं मिला आपको, तवज्जो नहीं मिली। दोस्तों के बीच में अगर आप उनकी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर जरा सी हेल्प नहीं करी तो पिछला सारा भूल जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो संडे को कुछ खास उपाय आपको करने चाहिए, बताएंगे जल्दी वो भी। अब नौकरी की बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाकर के वहां पे नौकरी करें, वहीं पे जाकर के सर्विस करें तो ही उसको गवर्नमेंट सेक्टर का काम कहा जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर का कंसर्न ये भी होता है कि आप गवर्नमेंट से एफिलिएशन किसी भी संस्था के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं जिसकी फंडिंग आपको गवर्नमेंट से आती हो और नहीं आ पा रहे हो, आपके पैसे रुक जा रहे हो, बार बार ब्लॉक हो रहे हो, और तो और आपकी फाइल सबसे पहले उठा करके किसी साइड पे रख दी जाती है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर का ही काम है। सेक्टर का काम है, यानी कहने का मतलब है कि आप सर्विस नहीं भी अब कहां गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे ऑफिस से काम कर रहे हैं जिसका कंसर्न गवर्नमेंट से ही बन रहा है, इट्स काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट, यानी आपका पैसा, आपकी फंडिंग वहां से आ रही है बट काम आप किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए करते हैं, तो ये भी आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर का ही तो काम होगा। फिर आती है आपकी सीनियोरिटी। अगर आपकी सीनियोरिटी खतरे में पड़ जाती है, यानी सीनियर होते हुए भी आपसे कोई पूछता नहीं है, आपके जूनियर से बैठ करके पूछ लेंगे, सलाह ले लेंगे, और ऐसे लगता पता नहीं आपने उनका क्या बिगाड़ दिया, सीनियर ही तो है, आपको पसंद नहीं आ रही सामने वाले को, तो उसमें आपका क्या दोष है? आपका दोष नहीं है, आपके ग्रहों का दोष है। सूर्य की कोई तो स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है, यानी कुंडली में या तो सूर्य नीच के होंगे या सूर्य पापी ग्रहों के साथ पीड़ित होंगे, या फिर किसी ऐसे भाव में बैठे होते हैं जहां पर दृष्टिगत जो संबंध है, दृष्टि से जो संबंध है, वो संबंध किसी मैलिफिक प्लेनेट या फिर डेब्लिएटेड प्लेनेट का हो रहा है। पंचम भाव के ये स्वामी होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होते हैं ये, और अच्छी कंडीशन में आ गए तो बल्ले बल्ले कर देते हैं, फायदा ही फायदा देते हैं, लाभ ही लाभ देते हैं, और अगर ये खुद ही डेब्लिएटेड हो जाते हैं तो फिर सब कुछ लाभ लूभ सब छीन लेते हैं। तो यानी क्या करना चाहिए कि आपकी समस्याएं भी दूर हों। अब जैसे हार्ट की बात करते हैं, हार्ट बीट बहुत लोगों की बड़ी जल्दी तेज हो जाती है, सांस बड़ी जल्दी फूलने लगती है, आई फ्लू बार बार होता है, सर में दर्द उनको ज्यादा रहती है, यानी कुछ ऐसी बार बार थोड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, बीमार में भी बुखार होना, तो ऐसी सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों की होती रहती है, अक्सर होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक तांबे का बर्तन लीजिए, संडे के दिन ही इस उपाय को कीजिएगा। तांबे का बर्तन लीजिए, लेकिन तांबे का बर्तन ये याद रखिएगा, या तो गिलास ही लेना है या फिर आपने बाउल लेना, बाउल जो होता है ना ऐसे एकदम फ्लैट वाला नहीं, थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, जिसमें आप एटलीस्ट वो गेहूं डाल सके, उसमें भर सके, तो गेहूं भरना है उसके अंदर। एवरी संडे आपने गेहूं भर करके और उसके अंदर एक तांबे का सिक्के मिलते हैं जिसके बीच में छेद होते हैं,
ये खास करके आपको पूजा की दुकानों से भी मिल सकते हैं, आप एक बार पता करिएगा, आपको मिल जाएंगे तांबे के सिक्के जिसमें बीच में छेद होते हैं, पुराने सिक्के होते थे, बहुत समय पुराने सिक्के, वो एक सिक्का डालना है। और इसका दान आपने हर रविवार को एवरी संडे ये करना ही करना है। इससे आपकी दो तीन चीजें बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। एक, आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, खास करके हार्ट को लेकर के, जैसे हार्ट बीट तेज होना, बुखार बार बार चढ़ जाना, आई फ्लू होना, यानी आपके हेल्थ इश्यूज इससे नहीं होंगे। और दूसरा, अगर आपकी नौकरी में कहीं कोई खतरा आने वाला है तो वो भी नहीं होगा। तीसरा, अगर आपने कोई फाइल लगाई है ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं फाइल लगाई है और काम आपका गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो रहा है, तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी फाइल जो है ना आगे फॉरवर्ड हो सकती है, मतलब पीछे दबा नहीं जाएगी। और एक और उपाय, जो आपने आदित्य हरिदेव स्तोत्र का पाठ है, इन्हें हर रविवार को जरूर करना चाहिए। इससे आपका मनोबल जो होता है वो स्ट्रांग होता है, बूस्ट होता है, इनफैक्ट लो फील नहीं करेंगे। और दूसरा, आपके लिए स्टेटस सिंबल बन जाएंगे आप दूसरों के लिए, यानी आपके स्टेटस पे कोई वार नहीं करेगा, आपकी सीनियोरिटी के ऊपर कोई वार नहीं करेगा, आपको परेशान कोई नहीं करेगा। तो कुंडली का पांचवा भाव तो आपने मजबूत कर दिया, आपने सूर्य राजा प्लेनेट को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ये दो सिचुएशन अगर आपकी कुंडली में बन जाए तो आपकी समस्याएं जो है काफी हद तक दूर होना शुरू हो जाएगी। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।